नमस्कार, मैं आयुषपाल, इंडिया न्यूज पर आपका स्वागत करता हूं। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव कन्नौज के लिए रवाना हो गए हैं। कन्नौज से लोकसभा चुनाव को लेकर के जीतने पर वे लोगों से यहां पर मिलने वाले हैं और सर्टिफिकेट यहां से लेंगे। रिटर्निंग ऑफिसर और डीएम से ये सर्टिफिकेट वे प्राप्त करेंगे। इसके लिए वे कन्नौज जा रहे हैं। कन्नौज सपा कार्यालय पर कार्यकर्ताओं को धन्यवाद भी देंगे। तो आज उनका कन्नौज दौरा रहने वाला है। कन्नौज से वे जीत कर आने वाले हैं और इसी को लेकर के वे वहां से अपना सर्टिफिकेट जो है उसको लेने वहां पर पहुंचने वाले हैं। वहीं वहां पर जो समाजवादी पार्टी का कार्यालय है वहां पर तमाम कार्यकर्ताओं से भी मिलते हुए नजर आएंगे। तो आज अखिलेश यादव जो है वो कन्नौज पहुंचने वाले हैं। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव कन्नौज के लिए रवाना हो गए। कुछ क्षणों में वे कन्नौज पहुंचने वाले हैं और कन्नौज में लोकसभा चुनाव जीतने पर वे सर्टिफिकेट जो मिलता है वो लेने वाले हैं। रिटर्निंग ऑफिसर और डीएम से ये सर्टिफिकेट लेंगे। इसी के साथ साथ कन्नौज सपा कार्यालय पर कार्यकर्ताओं को धन्यवाद देंगे, उनसे बातचीत करेंगे, क्योंकि अखिलेश यादव के लिए एक ऐतिहासिक जीत है। वहीं लखनऊ अपने आवास से कन्नौज के लिए अखिलेश यादव रवाना हुए हैं, जिसके बाद कहा जा रहा है कि वो दिल्ली में होने वाली इंडिया गठबंधन की बैठक में भी शामिल हो जाएंगे। देखिए इंडिया न्यूज संवाददाता रवि कुमार की इस पूरे मुद्दे को लेकर के ये खास रिपोर्ट। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव इस वक्त अपने आवास से निकल रहे हैं और यहां से वो सीधे कन्नौज के लिए रवाना हो रहे हैं। कन्नौज लोकसभा सीट से चुनाव जीतने के बाद अखिलेश यादव वहां जीत का सर्टिफिकेट लेने के लिए रवाना हो रहे हैं और बताया जा रहा है कि शाम को इंडिया गठबंधन की दिल्ली में बैठक होगी, उसमें भी शामिल होने के लिए अखिलेश यादव पहुंचेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पर समर्थकों की भीड़ भी नजर आ रही है। अखिलेश यादव अभी अभी यहाँ से निकले हैं और यहाँ से वो सीधे कन्नौज के लिए रवाना हुए हैं, जहाँ पर वो जो लोकसभा कन्नौज की लोकसभा सीट से जो जीत हासिल की है उसको लेकर जीत का सर्टिफिकेट लेंगे और उसके बाद शाम को इंडिया गठबंधन की बैठक है वो दिल्ली में होगी, उसमें वो फिलहाल शामिल होंगे, जिसको लेकर वो यहाँ से रवाना हो चुके हैं। रविंद्र के साथ रवि कुमार, इंडिया लखनऊ। तो लगभग 11:30 बजे कन्नौज पार्टी कार्यालय अखिलेश यादव पहुंचने वाले हैं। कार्यकर्ताओं से और पदाधिकारियों से भी मुलाकात करने वाले हैं। मुलाकात के बाद सर्टिफिकेट लेने जाएंगे कलेक्ट्रेट। इसके साथ कलेक्ट्रेट भी अफसरों को मिठाई भी खिलाएंगे। निष्पक्ष चुनाव कराने को लेकर के अफसरों का भी धन्यवाद करने वाले हैं। तो अखिलेश यादव का कन्नौज दौरा रहने वाला है। तमाम कार्यकर्ताओं से पहले भी सपा कार्यालय पे मिलने वाले हैं, इसके बाद भी कलेक्ट्रेट जाएंगे। कलेक्ट्रेट में जाकर वे अपना सर्टिफिकेट कलेक्ट करने वाले हैं और इसके साथ साथ खबर ये भी आ रही है कि निष्पक्ष चुनाव कराने को लेकर के वे मिठाई भी कलेक्ट्रेट में बांटते हुए नजर आएंगे। तो ये तमाम जानकारियां जो है ये सामने आ रही है। यूपी में सपा ने इतिहास रचा है और अखिलेश यादव ने कन्नौज से भारी मतों से चुनाव जीता है और इसी को लेकर के वे कन्नौज जाने वाले हैं। कन्नौज में अपना सर्टिफिकेट कलेक्ट्रेट से वे लेने वाले हैं। इसके साथ साथ सपा कार्यालय पे भी जाएंगे, वहां पर तमाम कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों का धन्यवाद भी देंगे, उनसे बातचीत करेंगे, उसके बाद कलेक्ट्रेट वे सर्टिफिकेट लेने के लिए रवाना होंगे। तो अखिलेश यादव का यह कन्नौज दौरा रहने वाला है। सपा ने इतिहास रखा है, कन्नौज से अखिलेश यादव। तो ये तमाम चीजें जो है ये देखने को मिल रही है। आपको बता दें लगातार अखिलेश यादव जो है वो डटे हुए थे। चुनाव की बात की जाए तो चुनाव में भी लगातार वे प्रचार प्रसार करते हुए नजर आ रहे थे। कन्नौज से उन्हें चुनौती मिली थी और यहीं से वे चुनाव लड़ने आते हैं। आपको बता दें कन्नौज सीट से डिंपल यादव जो है वो पिछली बार हारी थी और इस बार अखिलेश यादव ने यह चुनौती स्वीकार की, यहां से वे लड़े और एक अच्छे खासे मार्जिन के साथ लगभग 1 लाख वोट से ज्यादा से वे यहां पर जीते हैं। इसी खबर को लेकर के हमारे सहयोगी रवि और अनुराग हमारे साथ मौजूद हैं, क्योंकि रवि लखनऊ से मौजूद हैं। रवि, लखनऊ में क्या कुछ हलचलें देखने को मिल रही है? उसको लेकर समाजवादी पार्टी ने बड़ी जीत हासिल की है। 37 सीटें बहुत ज्यादा सीटें होती है, अगर बात करें तो बीजेपी सभी दलों के साथ मिलकर 80 को पूरा करने का दावा जरूर कर रही थी, लेकिन बीजेपी को महज 37 सीटों पर जीत हासिल हुई है। कई बड़े चेहरे थे जिन पर कहीं ना कहीं सारे गांव पर हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राजनाथ सिंह समेत तमाम सारे ऐसे चेहरे, साक्षी महाराज ऐसे कई सारे ऐसे नाम हैं जिन्होंने जीत तो जरूर दर्ज की है। लेकिन वहीं विपक्ष की बात करें तो समाजवादी पार्टी है, कांग्रेस है, इसे जिस तरीके से चुनाव एक बेहतर चुनाव लड़ा है और जिस तरीके से राहुल गांधी को लेकर एक रजरी गली हुई थी, राहुल गांधी ने भी बड़ी जीत हासिल की है। वहीं रायबरेली से भी जो अखिलेश यादव कब तक वहां पर पहुंचने वाले हैं और कार्यकर्ताओं में किस तरीके का उत्साह कन्नौज में देखने को मिल रहा है? अनुराग,
जी आपको बता दें, यहाँ पे जिस प्रकार से अखिलेश यादव कल 1,70,076 वोटों से उनकी एक प्रचंड जीत हुई है यहाँ पर कन्नौज के चुनाव, जिस तरीके से 2019 के चुनाव में डिंपल यादव यहाँ पे हारी थी, तो कहीं ना कहीं लेकर उनके लिए एक चुनौतीपूर्ण विषय था यहाँ पर कन्नौज जीतने के लिए। तो यहाँ पर उन्हें कई रैलियां सभाएं दी थी, काफी मेहनत की, जिसका परिणाम जो है ये मिला कि उनकी जो यहाँ कन्नौज में एक प्रचंड जीत हुई है उसको लेकर आज 11:30 बजे वो कन्नौज पहुंचने वाले हैं। कि यहाँ पर जो है कन्नौज पहुंचकर सबसे पहले वो पार्टी कार्यालय पहुंचेंगे, अपने कार्यकर्ताओं को जो पदाधिकारी हैं उनका धन्यवाद करेंगे, उनका शुक्रिया करेंगे, उसके बाद में कलेक्ट्रेट पहुंचकर जो है अपना जीत का प्रमाण पत्र लेंगे और वही अधिकारी जो है डीएम और एसपी को जो है निष्पक्ष चुनाव कराने को लेकर भेंट देंगे, मिठाइयां भेंट करेंगे, मिठाइयां खिलाते हुए लेकर आएंगे। अखिलेश यादव जो है डीएम एसपी का धन्यवाद करेंगे क्योंकि निष्पक्ष तरीके से जो है चुनाव कराया गया है, उसी को लेकर अखिलेश यादव आज 11:30 बजे कन्नौज पहुंच रहे हैं। जी जी, इसी के साथ साथ रवि भी हमारे साथ हैं। रवि, लखनऊ से क्योंकि आप मौजूद हैं और कन्नौज जाएंगे, कन्नौज के बाद यह कहा जा रहा है कि वे दिल्ली जाने वाले हैं, इंडिया गठबंधन की बड़ी बैठक होने वाली है उसमें वे शामिल होते हुए नजर आएंगे, कब तक वे दिल्ली के लिए निकलने वाले हैं, कन्नौज में यह पूरा के पूरा जो कार्यक्रम है उनका कब तक रहने वाला है, दिल्ली के लिए कब रवाना होंगे और दिल्ली में कब तक वे बैठक में शामिल हो जाएंगे? हेलो रवि, आपको मेरी आवाज आ रही है? रवि से संपर्क करने की कोशिश करेंगे लेकिन उससे पहले अनुराग के पास लिए चलते हैं। अनुराग, कन्नौज में ये जो पूरा के पूरा कार्यक्रम रहेगा ये कब तक रहने वाला है? इसी के साथ साथ जिस तरीके से यहां पर पूरा कार्यक्रम खत्म करने के बाद वे दिल्ली जाने वाले हैं, दिल्ली जाकर वे इंडिया गठबंधन की बैठक में शामिल होने वाले हैं, तो कब तक वे यहां से दिल्ली के लिए निकलने वाले? देखिए आपको बता दें कि यहाँ पे 11:30 बजे पहुंचने के बाद सबसे पहले वो यहाँ पे सपा पार्टी कार्यालय पहुंचेंगे और अपने कार्यकर्ताओं का जो है धन्यवाद देंगे, उसके बाद कलेक्ट्रेट पहुंचकर जीत का प्रमाण पत्र लेने के बाद में लगभग 12:30 बजे के बाद यहाँ से जो है सीधे दिल्ली के लिए वो रवाना होंगे, इंडिया गठबंधन की बैठक के लिए यहाँ से सीधे दिल्ली के रवाना हो जाएंगे। सपा मुखिया अखिलेश यादव यहाँ पर पहुंचकर जो है कार्यक्रम निपटाकर लगभग 12:30 बजे यहाँ से दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। जी जी रवि, मैं आपसे भी एक सवाल लेना चाहूंगा क्योंकि अखिलेश यादव दिल्ली जाने वाले हैं, इंडिया गठबंधन की वहां पर बैठक होने वाली है, समाजवादी पार्टी के और कौन से बड़े नेता उनके साथ जा सकते हैं, क्या शिवपाल यादव भी उनके साथ इंडिया गठबंधन की बैठक के लिए जाएंगे? देखिए कुछ ही देर पहले अखिलेश यादव हैं वो अपने लखनऊ स्थित आवास से अपने निकले हैं और हालांकि अखिलेश यादव ही अपनी सुरक्षा के साथ में यहाँ से गुजरे हैं और यहाँ से वो सीधे कन्नौज जाएंगे। कन्नौज में जहाँ वो अपनी जो कन्नौज से उनकी लोकसभा सीट से जीत मिली है उसको लेकर वहाँ जीत का सर्टिफिकेट लेंगे और उसके अलावा वहाँ के जो कार्यकर्ता हैं उनसे मुलाकात करेंगे, उसके साथ ही इंडिया गठबंधन की जो जीत हुई है उस पर बधाई देंगे। उसके बाद फिर शाम को जो इंडिया गठबंधन की दिल्ली में एक बैठक होनी है उसमें भी शामिल होने के लिए पहुँचेंगे। हालांकि जिस तरीके से जो समाजवादी पार्टी को बड़ी जीत हासिल हुई है उत्तर प्रदेश की अलग अलग लोकसभा सीटों को लेकर, उससे समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन में बेहद ही खुशी की लहर है। सुबह से ही समाजवादी पार्टी के नेताओं का कार्यकर्ताओं का समाजवादी पार्टी कार्यालय अखिलेश यादव के आवास पर जमावड़ा देखने को मिला, बधाई देने वालों की भीड़ लगी है। अखिलेश यादव की जिस तरीके से कन्नौज से बड़ी जीत हासिल हुई है, डिंपल यादव ने मैनपुरी से जीत हासिल की है, उससे समाजवादी पार्टी के खेमे में बेहद ही खुशी की लहर है। हालांकि अखिलेश यादव है वो कुछ ही देर पहले यहाँ से रवाना हुए, सीधे कन्नौज पहुंचेंगे जहां पर वो अपना जिलाधिकारी से जो सर्टिफिकेट जीत का है वो लेंगे, उसके बाद फिर वहां से शाम को जो इंडिया गठबंधन की दिल्ली में बैठक होनी है उससे बैठक में शामिल होने के लिए पहुंचेंगे। जी रवि, क्योंकि कन्नौज की जीत जो है वो खास है क्योंकि बीजेपी की ओर से लगातार लखनऊ में अखिलेश यादव को चुनौतियां दी जा रही थी और ये कहा जा रहा था कि अखिलेश यादव ही सिर्फ यहां से आकर जीत सकते हैं, इस पर जिस तरीके से ये जीत मिली है ये कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के लिए खास जीत है। देखिए निश्चित तौर पर जिस तरीके से जो सर्वे आया था और सर्वे में जिस तरीके से पूरा बहुमत दिखाया जा रहा था सर्वे के जरिए, लेकिन जिस तरीके से कल जब चुनावी परिणाम आने शुरू हुए और उसके बाद 11-12 बजे तक जब तस्वीर है वो थोड़ी थोड़ी साफ होने लगी और जिसके बाद फिर तब समाजवादी पार्टी के या कांग्रेस की पार्टी की बात करें, इंडिया गठबंधन के दोनों दल उनके जो प्रत्याशियों के एक बड़ी जीत की तरफ जाते हुए नजर आने से कहीं ना कहीं उत्साह है वो साफ तौर पर नजर आया। हालांकि सत्ता पक्ष को देखना होगा कि कहां कमी रहेगी, किस तरीके से जो जीत का जो की जो उम्मीदें की थी वो पूरी क्यों नहीं हो पाई, 80 को पूरा करने का दावा था वो पूरा नहीं हो पाया, 33 सीटों पर ही महज जी। रवि, कहीं ना कहीं एक बड़ी चूक देखने को मिली है, जिस तरीके से मिशन 80 का दावा किया गया था वो कहीं ना कहीं उसके करीब भी बीजेपी नहीं पहुंच पाई है। तमाम जानकारी के लिए रवि और अनुराग आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो अखिलेश यादव का कन्नौज दौरा जो है वो होने वाला है, जल्द ही जल्द वे कन्नौज पहुंचने वाले हैं और इसके बाद वे दिल्ली के लिए रवाना होने वाले हैं। वहीं लखनऊ से एक और बड़ी खबर सामने आई है जहां सपा दफ्तर के बाहर लगाई गई है बधाई की होर्डिंग, बधाइयों की होर्डिंग लगाई गई है, ऐतिहासिक
जीत पर अखिलेश यादव को यहां पर बधाइयां दी गई है। जननायक धरती पुत्र किलाल ने कर दिया कमाल, इस तरीके के कोट्स जो है वहां पर लिखे गए हैं। इसी के साथ साथ अखिलेश यादव के आवास के बाहर भी ये होर्डिंग्स लगाई गई हैं। तो तमाम बधाइयों का दौर जो है वो उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव के लिए देखा जा रहा है। तमाम जगहों पर आप ये होर्डिंग देख सकते हैं और एक कोट जो है वो यहाँ पर लिखी जा रही है और ये कोट मुलायम सिंह यादव से उन्हें कनेक्ट करती है। सपा दफ्तर के बाहर ये बधाइयों की होर्डिंग्स जो है ये देखी जा रही है। ऐतिहासिक जीत पर अखिलेश यादव को पूरे यूपी में इस तरीके के होर्डिंग्स जो है वो लगाए गए हैं। जननायक धरती पुत्र के लाल ने कर दिया कमाल, इस तरीके के कोट्स जो है वो लिखकर बधाइयां दी जा रही हैं। अखिलेश यादव के आवास के बाहर भी इस तरीके की होर्डिंग्स जो है वो साफ तौर पर देखी जा सकती है। तो लगातार सपा में एक जीत का जश्न देखने को मिल रहा है, पूरे उत्तर प्रदेश में होर्डिंग्स देखने को मिल रही है। ऐतिहासिक जीत पर अखिलेश यादव को बधाइयां दी जा रही है, उनके आवास के बाहर इस तरीके के होर्डिंग्स लगाए गए हैं, सपा कार्यालय पर इस तरीके के होर्डिंग्स लगाए। वहीं लोकसभा चुनाव में यूपी में बड़ा उलटफेर देखने को मिला है। बीजेपी ने 33 सीटों पर जीत हासिल की है। वहीं अगर समाजवादी पार्टी की बात करें तो 37 सीटें उन्होंने जीती है। राहुल गांधी ने रायबरेली से बड़ी जीत दर्ज की है। वहीं सुल्तानपुर से मेनका गांधी और अमेठी से स्मृति ईरानी ने हार का सामना करना पड़ा है। हालांकि बीजेपी ने बहुमत तो हासिल कर लिया है पर 400 पार का दावा जो वे करते आ रहे थे, बीजेपी 300 का आंकड़ा भी नहीं छू सकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर हैट्रिक लगाने के लिए मैदान में उतरी एनडीए सहयोगी दलों के साथ में यहां 400 पार का नारा दे रही थी। वहीं आपको बता दें 300 के अंदर ही सिमट गई बीजेपी अपने सहयोगी दलों के साथ में। वहीं आपको बता दें कि यूपी में मिशन 80 को जो जीतने का दावा बीजेपी की तरफ से किया जा रहा था, वहीं 33 सीटों पर बीजेपी को जीत दर्ज की। वहीं आपको बता दें कि सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी सामने निकल कर आई है। अखिलेश यादव से लेकर तमाम सारे वो चेहरे, डिंपल यादव समेत तमाम सारे वो चेहरे थे जिनको जीत दर्ज हुई है। वहीं सबसे बड़ी बात यह रही कि जो रायबरेली से राहुल गांधी को भी बड़ी जीत मिली है, अमेठी से भी कांग्रेस पार्टी को जीत मिली है। वहीं आपको बता दें कि कई ऐसे नाम थे जिनपे बड़ी उम्मीदें थी, उनको हार का सामना करना पड़ा, जिसमें से मेनका गांधी सुल्तानपुर से, वहीस्पति रानी अमेठी से, और उसके साथ में अगर हम बात करें तो कौशल किशोर मोहनलालगंज से तीसरी बार हैट्रिक लगाने आ रहे थे लेकिन उनको हार का सामना करना पड़ा। हालांकि बहुमत तो जरूर मिला है बीजेपी सहयोगी दलों को, लेकिन जिस तरीके से अगर हम बात करें तो जो दावे थे, जो कोशिश थी कि 400 पार इस बार करने का दावा था, वो 400 पार का जो दावा है वो पूरा नहीं हो सका। वहीं यूपी में मिशन 80 को पूरा करने का जो दावा किया जा रहा था वही 40 से भी कम सीटें, यानी 33 सीटें हैं वो बीजेपी को मिली है। फिलहाल देखना है कि अब किस तरीके तस्वीर सामने आने वाली, क्योंकि बहुमत तो जरूर मिला है लेकिन अब ये देखना होगा किस तरीके से अब इसमें क्या कुछ बदलाव है वो भी देखने को मिलता है, क्योंकि कई बड़े चेहरे थे जिनकी साख दांव पर थी और कई ऐसे चेहरे हैं जिनको हार का सामना करना पड़ा, कई ऐसे चेहरे जिन्होंने बड़ी जीत भी दर्ज की है। रवि कुमार, ईडब्ल्यू लखनऊ।